अभी हम आपको जास्को जीपीएस का जो ET25 बाइक प्रो मॉडल है वो उसकी अनबॉक्सिंग दिखाने जा रहे हैं। बेसिकली ये स्पेशली बाइक के लिए डिज़ाइन करी गई डिवाइस है जो कि बाइक के बैटरी को एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट करती है। तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं। बेसिकली इस टाइप के बॉक्स में ये जीपीएस ट्रैकर हमारा आता है। इसका मॉडल नेम है ET25 बाइक प्रो, जो कि आपकी प्रीमियम बाइक की सेफ्टी के लिए इसको बनाया गया है। और तो बेसिकली इस पे आपका ये यूजर आईडी, इस टाइप के बॉक्स में हमारा जास्को जीपीएस का ET25 बाइक प्रो मॉडल आता है। तो यहाँ पे आपका ये क्यूआर कोड, इसको स्कैन करके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आपका यूजर आईडी पासवर्ड, इधर इसका एमआरपी लेबल। मार्केट में इस टाइप के बहुत सारे जीपीएस ट्रैकर अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आपको बेटर ट्रैकिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको जास्को जीपीएस का ट्रैकर आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो इस टाइप के बॉक्स में आता है। बेसिकली इसके की फीचर्स को देखा जाए तो इसमें रियल टाइम ट्रैकिंग आपको मिलती है, इंटेलिजेंट सीपीयू मिलता है जो कि अगर डिवाइस में कोई फॉल्ट होता है उसको ऑटो रिकवर करता है, हिस्टोरिक डाटा मिलता है आपको, इसमें आप पिछले 60 डेज का आप व्हीकल का रनिंग हिस्ट्री को देख सकते हैं, वाइब्रेशन सेंसर मोड है, अगर कोई आपकी बाइक को टच करता है या मूव करने की कोशिश करता है तो डिवाइस आपको SMS अलर्ट भेज देगा। स्पीड मॉनिटरिंग कर सकते हैं, मल्टीपल GSM सिम कार्ड को सपोर्ट करता है। तो आइए इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं। बेसिकली ये एकदम कॉम्पैक्ट बाइक के लिए स्पेशल डिज़ाइन करा गया डिवाइस है जो कि बाइक के लिए सूटेबल है, एकदम कॉम्पैक्ट है, आप इजीली किसी बाइक में इसको फिट कर सकते हैं। बेसिकली इस डिवाइस के लिए आपको एक मिनी सिम कार्ड की जरूरत पड़ेगी जो इस शेप में होती है, जैसे आपको पता है माइक्रो मिनी, इसमें मिनी सिम कार्ड लगती है। इसमें आप एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन किसी का भी सिम कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा इसमें जियो का सिम कार्ड वर्क नहीं करता है। डिवाइस को वर्क करने के लिए 150 MB डेटा कंपलसरी है, मंथली मिनिमम डेटा। तो बेसिकली हम इसमें आपको सिम कार्ड इंसर्ट करने का तरीका बता रहे हैं। इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है आउटर कवर को डिटैच करने के लिए, उस पर ये पॉइंट है, जैसे कि इसको हम ऐसे डिटैच कर लेंगे। ये हमारा जैसे कि ये डिटैच हो गया, इसमें इसका सिम ट्रे है, इसको ऐसे मूव करेंगे और इसमें सिम कार्ड को पुट करेंगे। ये सिम कार्ड लग गया, इसमें एक पावर बटन दिया है, इसको ऑन करना होता है उसके बाद सिम कार्ड को लगा के। तो इसमें आपकी देखिएगा ये LED ब्लिंक करने लग गई, यानी कि डिवाइस वर्किंग कंडीशन में है। तो ये दोस्तों अभी हमने आपको सिम कार्ड इंसर्ट करने का तरीका बता दिया। अभी हम देखते हैं इसके बॉक्स में और क्या क्या एक्सेसरीज आती है। बेसिकली इसके साथ ये रिले आता है जो कि गाड़ी को के इग्निशन को कट ऑफ करने के काम आता है, और ये इसकी मेन वायरिंग यूनिट हो गई। और इसके साथ एक टाई बेल्ट जिससे आप डिवाइस को टाई कर सकते हैं व्हीकल में कहीं भी। और इसके अलावा ये इसका वारंटी कार्ड, इसको आपको संभाल के रखना, फ्यूचर में डिवाइस में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आपको वारंटी कार्ड विथ इनवॉइस हमें दिखाना होगा, तभी आपकी डिवाइस रिप्लेस होगी। हाँ, तो ये हमारा वारंटी कार्ड हो गया। इसके अलावा इसका यूजर मैनुअल इसमें दिया हुआ है, इसमें सारे डिटेल्स दी गई है आपको, GPS ट्रैकर को कैसे यूज करना है, कैसे फिक्स करना है, सारे डिटेल इसमें लिखा हुआ है। साथ में इसका वायरिंग डायग्राम भी दिया हुआ है जिसको आप समझ के इजली इसको फिक्स कर सकते हैं। साथ में जो उसकी शॉर्ट कमांड्स हैं जो SMS बेस्ड होती है कुछ फीचर, वो आपको इसमें बताई गई है। तो आइए दोस्तों अब हम बेसिकली इस डिवाइस को खरीदने की, ये स्पेशली बाइक के लिए डिजाइन करी गई डिवाइस है जो कि बाइक के बैटरी को प्रोटेक्ट करती है। ये ध्यान रखिएगा मार्केट में बहुत टाइप की डिवाइस हैं जो अगर आप बाइक को कम यूज करते हैं तो बाइक की बैटरी, अगर आपकी गाड़ी मान लीजिए 3-4 दिन रन नहीं करती बाइक, तो वो डिवाइस क्या करती है, बाइक की बैटरी को डिस्चार्ज कर देती है। तो वो बहुत ही एक प्रॉब्लम है। इस डिवाइस में आपको व्हीकल बैटरी प्रोटेक्शन का फीचर दिया हुआ है, ये आपकी बाइक की बैटरी को, ये बहुत ही मिनिमम एम्पियर और करंट यूज करती है, कभी भी आपकी बाइक की बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी ये डिवाइस लगाने के बाद, इसलिए डिवाइस थोड़ी कॉस्टली भी है। तो आइए दोस्तों अब हम आपको इसका रियल इंस्टॉलेशन दिखाते हैं, इसे हम डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल में आपको इसका इंस्टॉलेशन दिखाएंगे ताकि आप इसको और अच्छी तरीके से समझ सकें। धन्यवाद।